थाना मसूरी पुलिस द्वारा 18 टायर ट्रक में भारी मात्रा में पकड़ा गया अवैध शराब। श्री उपेंद्र अग्रवाल पुलिस उप महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब के आयात व बिक्री आदि अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान सदर गाजियाबाद और पुलिस टीम द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी, जब चेकिंग के दौरान रात 8:10 पर पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जेल टोल टैक्स से नीचे उतरने वाले तिराहे पर एक ट्रक की चेकिंग करने पर ट्रक के अंदर चावल की बोरियों में छिपाकर अवैध शराब बरामद हुई है। कुल 9,660 बोतल 7500 लीटर जिसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए आकी गई तथा परिवहन तस्करी कर ले जा रहे दो अभियुक्तों की पहचान मुकेश पुत्र बहादुर सिंह व अतलेदार चौधरी पुत्र केवल सिंह के रूप में हुई। जो शराब के खिलाफ अभियान चल रहा है वो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा गंभीरता से चल रहा है, उसमें मसूरी पुलिस ने लगभग 850 पेटी पकड़ी है। ये अंग्रेजी शराब है, 805 पेटी पकड़ी है अंग्रेजी शराब है, जो कि करनाल से आगरा जा रही है। तो 21 रोड से बाय रोड जाते हैं और ये शराब को कहाँ सप्लाई करते हैं? जो अभी तक समझ में आया, 2-3 ऑपरेशन मसूरी पुलिस कर चुकी है। पहले में ये शराब उत्तराखंड जा रही थी, करनाल से उत्तराखंड जा रही थी रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, इस बार ये शराब जा रही थी आगरा। इस गैंग को चलाने वाले कैसे लोग हैं और ये सभी किस किस तरीके इनका जो मॉडस ऑपरेंडी वो ये है कि मालिक कभी सामने नहीं आता, वो केवल ये बता देता है कि फला ट्रक फला जगह पे खड़ा हुआ है, वो केवल ड्राइवर को भेज देता है, उसको बता देता है कि आपको ये ट्रक लेके यहाँ पे ड्रॉप करना है, उसको डेस्टिनेशन बता दिया जाता है, डेस्टिनेशन पे कुछ लोग आ जाते हैं ट्रक को लेने के लिए। इनका ये मॉडस ऑपरेंडी तो पहले में तो हमने नेम्ड किया था, इसमें भी पता नहीं चला है कि एवेंचुअल कौन लोग हैं जो उसके पीछे, पता कर लें इनके मोबाइल फोन ही मिले तो क्लियर होगा। लगभग ये अंग्रेजी शराब है तो लगभग इसकी कीमत 70 लाख। मसूरी ने लगभग 1 करोड़ की पकड़ी है शराब पिछले 10-12 दिनों में, और लूनी ने करीब 25 से लेकर 35 लाख की पकड़ी है, लगभग 1.25 करोड़ के ऊपर पकड़ी जा चुकी है पिछले 12 दिनों में।